अरे आपके साथ साथ हम भी फंस जाएंगे। हाँ नहीं, हमें तो विजयनगर जाना है, हमें विजयनगर जाकर हीरे चाहिए, हमें नहीं मरना है। हाँ ये सब आपको यहाँ आने से पूर्व सोचना चाहिए था गुरुवर। वो सुना है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अरे हमें घुन नहीं बनना है पंडित रामकृष्ण। क्या हुआ, आप लोगों के चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है? घबरा रहे हैं? अरे ना ना बीरबल, हम तो मंत्रणा कर रहे हैं, मंत्रणा। अच्छा अच्छा, वो क्या है ना कि दो प्रकार के हीरे हैं, एक छोटे और एक बड़े। तो मैं गुरुवर से ये कह रहा था कि जहाँ बना के पूज्य पिताश्री की प्रतिमा के निर्माण हेतु इन्हें उत्कृष्ट हीरे ही प्रदान करें, और वैसे भी इतने पुण्य कार्य के लिए हीरों का विक्रय नहीं करना चाहिए। जहाँ अपना आपको जितने भी हीरे चाहिए आपको निशुल्क विजयनगर की ओर से भेंट कर दिए जाएंगे जी, जिससे आपके राज्य और विजयनगर के आपसी संबंध और भी मधुर और सुदृढ़ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रामकृष्ण जी। हीरे तो आप हमें दे देंगे, लेकिन उसके बदले में अगर आपको ये उम्मीद है कि हम बांध का पानी खोल देंगे तो माफ कीजिएगा, आपको ना उम्मीद होना पड़ेगा। इसलिए हीरो की कीमत ले लेना उचित होगा। बीरबल बीरबल बीरबल, हमारे पास हीरों की खदान है, खदान। हमारे लिए ये जल संकट कोई संकट ही नहीं है। देखिए, आपने हमारे पड़ोसी राज्यों को ये संदेश भिजवाया कि उनमें से कोई भी हमें जल की सहायता ना करे, किंतु हमें तो किसी से भी कोई सहायता चाहिए भी नहीं। हमने तो दूर देशों से जल मंगवाया है हीरे देकर। कई सारे विशाल जलपोत समुद्री मार्ग से हमारे लिए जल लेकर बढ़ गए हैं, ताकि हम इतना जल संचित कर ले जितना वर्षा ऋतु के आने तक पर्याप्त हो। ये कब हुआ, कैसे हुआ, हमें हमें इस विषय में ज्ञात क्यों नहीं? क्योंकि आप तो यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके थे ना गुरुवर। हमें इतना शीघ्र विजयनगर से प्रस्थान नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दें, और चाहिए तो अपना कोई जोहरी हमारे साथ भेज दे, उन्हें जितने भी हीरों की आवश्यकता होगी वो ले लेंगे। जी अपने पैर गोबर में नहीं डाले तो फिर गोबर स्वयं आपके पैरों से लिपट गया। अरे मेरा पांव भूल से गोबर में पड़ गया। अब तर्क वितर्क करना बंद कर और पानी लेकर आए धोने के लिए। अम्मा पानी का अभाव है, थोड़ा कम उपयोग कीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। अम्मा आपने तो पूरे पानी पर गोबर फेर दिया। अब मेरा तात्पर्य है कि आपने पूरे पानी से गोबर धो दिया, अब घर में एक बूंद पानी नहीं है, अब क्या होगा? अरे तू क्या चाहती थी,
कि मैं अपने पाँव में गोबर लगाए घूमू। पानी को जिस कार्य के लिए उपयोग होना था वो हो गया। वैसे भी आज स्नान किसे करना था, अतः घर में पानी समाप्त हो गया तो भी कोई बात नहीं। चले प्रणाम। अब पंडित रामकृष्ण जी, अब क्या है, इतनी दूर से आप यहाँ आए हैं, जाने की इतनी जल्दी क्या है, हमें खातिरदारी करने का मौका तो दीजिए। आपके आने की खुशी में आज रात ही हम जलसे का इंतजाम करते हैं, जहाँ खान पान के साथ साथ नृत्य और संगीत का इंतजाम भी होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रही है? बहुत बहुत धन्यवाद बीरबल, किंतु मेरा विजयनगर पहुंचना अति आवश्यक है। क्या है कि हीरों की खुदाई का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, और मैं तो यहाँ बस जहाँपनाह को भेंट देने ही आया था। अरे ये पंडित रामकृष्ण भीना, इन्हें क्या पता कि मुगलों की राग रागिनी ऐसी होती है जिन नर्तकियों के सामने मंदाकिनी भी कुछ नहीं। पंडित रामकृष्ण, अब देखो ना, कितने प्रेम कितने आदर पूर्वक ये हमें यहाँ रुकने का आग्रह कर रहे हैं। हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। रामा, संकट का चलता फिरता अवतार है ये अवश्य ही फंस पाएंगे। नहीं नहीं गुरुवर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका तो विजयनगर पहुंचना अति अनिवार्य है, क्योंकि आप तो विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ पार्की हैं। आप तो हीरो को देखते ही बता देते हैं कि हीरे मूल्यवान है या नहीं, अनमोल है या नहीं, बहुमूल्य है या नहीं। वो तो है, है ना? तो विजयनगर के बड़े बड़े हीरे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा। चलिए। हीरे, नर्तकियाँ, हीरे, नर्तकियाँ। अगर किसी तरह से तथाचार्य जी यहाँ रुक जाएं, तो इनसे सच उगलवाना मुश्किल नहीं होगा कि सचमुच कृष्ण नदी में हीरे हैं या नहीं। हमने विचार कर लिया है जहांपनाह, हमने विचार कर लिया है कि हम आपके आग्रह को नहीं ठुकराएंगे। अरे वैसे कैसे नहीं जाएंगे, आपको मेरे साथ चलना होगा। हम नहीं जाएंगे। अगर ये रुकना चाहते हैं तो रुक जाए, हम इन्हें नहीं जाने देंगे। अब यही रुकेंगे? नहीं नहीं बीरबल, इन्हें मेरे साथ जाना ही होगा। नहीं नहीं, इन्हें रुकना होगा, इनका जाना अति आवश्यक है बीरबल। अरे इन्होंने हमारा मेहमान बनना स्वीकार किया है। चलिए ना गुरुवर। रुकिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे कंधे की हड्डी चटक गई है। देखिए जहांपनाह, त्रिशंकु की भांति हमारा कंधा अटक गया है, नीचे नहीं हो रहा है हमारा हाथ, हम क्या करें? गुरुवर, ऐसी हालत में तो आप यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। नहीं बीरबल, इनका विजयनगर पहुंचना अति आवश्यक है, वो राजवैद्य है ना, वो इनका उपचार कर देंगे। अरे सर्वश्रेष्ठ हकीम तो हमारे यहाँ भी है, राजवैद्य का उपचार इन पर अधिक फलता है। अरे पंडित रामकृष्ण, हम यहीं ठहरना चाहते हैं बस। जी गुरुवर। क्या है? पंडित रामकृष्ण ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ हमारे प्राण संकट में है। अच्छा, जहांपनाह, हमने विचार कर लिया है, और हमने विचार किया है कि हम पंडित रामकृष्ण के साथ विजयनगर जाना चाहेंगे।
जहां पनाह गजब हो गया, जहां पनाह गजब हो गया। क्या हुआ है? जहां पनाह आपके ख्यालगाह में रखी आपके हीरे से जड़ी पुश्तैनी शमशीर और मयान नहीं है। जिस भांति बिल्ली के भाग्य से दूध से भरी मटकी फूटती है, उसी भांति मेरे भाग्य से आज प्रेम करने की घड़ी आई है, जब ताता विजयनगर में है ही नहीं। जिसे देखो निद्रा में मग्न है। भूमि पर तेल? हाँ तेल। आम्रपाली, मुझे लगा था कि तुम भूमि पर पुष्प बिछाकर मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, पर तुमने तो तेल बिछा रखा है। हाँ, हमने तेल इसीलिए बिछा रखा है कि तुम हमारे निकट ना आ सको। ये पगली, तुम्हारे पिताश्री को चने के वृक्ष पर चढ़ाकर विजयनगर से भेजा ही इसलिए है कि तुम्हारे निकट आ सकूं, और तुम? हाँ हाँ, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे निकट आओ भास्कर, क्योंकि क्योंकि जल नहीं है ना। अरे तो मैं कौन सा जल का प्यासा हूँ, मैं तो प्रेम का प्यासा हूँ। अरे ओ प्रेम पुजारी, तुम समझ नहीं रहे हो। अरे इसमें समझने जैसा क्या है? देखो, अब तुम मुझे अपने निकट आने से नहीं रोक सकती। रुक जा, हमारे निकट मत आना। भास्कर जल नहीं, हमने स्नान नहीं किया है। तो मैंने कौन सा स्नान किया है? अगर तुम्हें हमारे निकट आना है तो फिर तुम हमारे लिए जल का प्रबंध करके आओ। चांद सितारे मांग लेती तो संभवतः लेकर भी आता, जल कहाँ से लाऊं? तुम्हें ज्ञात है संपूर्ण विजयनगर में जल है ही नहीं। अरे है? है? कहाँ? महारानी के महल में एक जल कुंड है, उसमें उन्होंने ढेर सारा जल इकट्ठा कर रखा है। जाओ और हमारे लिए जल लेकर आओ। तुम्हें पता है महारानी ने जल कुंड के चारों ओर पहरा लगा रखा होगा। हमने कहा ना, हमें कुछ नहीं सुनना, हम तुमसे भेंट नहीं करेंगे जब तक तुम हमारे लिए जल नहीं लेकर आते। आम्रपाली सुनो तो। अरे अरे सुनो तो आम्रपाली। अरे सो गई। एक और प्रेम, एक और जल, करूं भी तो क्या करूं, किंतु कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे खानदानी शमशीर और मया हमारे ख्वाबगाह से कहां जा सकती? जहां पना यकीनन किसी नए हीरो के लालच में उसे चुराने की गुस्ताखी की है। जहां पना, लगता है ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल कर ली। ये क्या कह रहे हैं बीरबल? हमारी खानदानी शमशीर चोरी हो जाए, ये दुआ मांगी थी अपने अल्लाह ताला से? नहीं 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 जहां पना, हमने तो ये दुआ मांगी थी कि कुछ ऐसा हो जाए और पंडित रामाकृष्ण जी को यहाँ से ना जाना पड़े। अब आप यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये बात तो पूरा भारत जानता है कि जहाँ समस्या विकट वहीं रामा प्रकट। इन्हें रुकना है तो रुके, हम तो बस यहां से विजयनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? रुक जाइए रुक जाइए। पंडित रामाकृष्ण जी, अगर आप गुरुवर को यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो आपको ये पता लगाना होगा कि जहां पना की हीरो से जड़ी शमशीर और मयान किसने चुराई। क्यों जहां पर? रामा, बीरबल तेरा मित्र है या शत्रु, ये तो तुझे फंसा रहा है, इसकी बातों में मत आना, बहुत बुद्धिमान है ये। मुझे क्या थे बंधु? पंडित रामाकृष्ण जी, अब अगर आपने चोर का पता लगा लिया तब तो गुरुवर आपके साथ विजयनगर प्रस्थान कर सकते, लेकिन अगर आप चोर का पता लगाने में असफल हुए तो तथाचार्य जी को यहीं रुकना पड़ेगा हमेशा के लिए। क्या? क्या? हाँ,
आप यहीं रहेंगे और हमारे दरबार के नृत्य संगीत का लुत्फ उठाएंगे। नहीं, हम जाएंगे, हमें जाने की अनुमति दीजिए, हम जाएंगे। रुक जाइए गुरुवर, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। अब तो आपका जाना पंडित रामकृष्ण पर निर्भर है। पंडित रामकृष्ण जी, कहिए क्या आपको ये चुनौती मंजूर है? पंडित रामकृष्ण, स्मरण रहे, यदि हम यहां से नहीं निकल पाए तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, हाँ। क्या करेंगे आप? ऐसी परिस्थिति में मुझे धमकाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है गुरुवर। अरे पंडित रामकृष्ण, आप तो हर बात का बुरा मान जाते हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि हम दोनों का यहाँ से निकलने में ही कल्याण होगा। उचित है, मुझे चुनौती स्वीकार है। अतिशीघ्र चोर का पता भी चल जाएगा और मैं गुरुवर को अपने साथ लेकर प्रस्थान भी करूंगा। जहांपनाह, आपकी तलवार आपके कक्ष से चोरी की गई, इसका अर्थ ये है कि चोर वही है जो आपके कक्ष में निरंतर और बिना रोक टोक के आ जा सकता है। वो कोई दास और दासी भी हो सकती है। अतः आपके कक्ष में हर आने जाने वाला और आपके कक्ष के बाहर पहरा देने वाला हर दास और दासी को यहाँ उपस्थित करवाया जाए। चोरी किसने की, चोर कौन है, इसका पता मैं नहीं, अपितु मेरा एक मित्र लगाएगा। हम जानते थे पंडित रामकृष्ण, ये अवसर आप हमें ही देंगे। बिल्कुल नहीं, मैं आपके विषय में बात ही नहीं कर रहा, वो मित्र कोई और है। और कौन है यहाँ पर आपका मित्र? है जहां बना, मैं अपने उस मित्र को अपने साथ यहाँ लाने की अनुमति चाहता हूँ। इस मित्र को लाने जा रहे हैं। ये आपने कैसी शर्त रखी है बीरबल? आप अच्छे से जानते हैं कि पंडित रामकृष्ण कितने अकलमंद हैं, और अगर उन्होंने अपनी अकलमंदी से चोर को पकड़ लिया तो फिर वो विजयनगर के राजगुरु को लेकर यहां से चले जाएंगे, और फिर हम कैसे पता लगवाएंगे कि विजयनगर की नदी में हीरों की खान है या नहीं? जहां पना, इस बात में तो कोई शक नहीं कि पंडित रामकृष्ण बहुत ही अकलमंद, लेकिन ये विजयनगर नहीं है, यहां पर वो किसी को नहीं जानते। ऐसे में चोर को पकड़ पाना उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन सोचने की बात तो ये है, अपने कौन से मित्र की बात कर रहे थे वो भी यहां? पंडित रामकृष्ण अपने किस मित्र को लाने चले गए? मानना पड़ेगा बीरबल महोदय को, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। युक्ति तो बहुत अच्छी लगाई है बीरबल ने पंडित रामकृष्ण को रोकने की, परंतु हमारे मित्र पंडित रामकृष्ण भी कम नहीं है, श्वान लेकर आ गए।
देखते हैं इस बार किस युक्ति से पता लगाएंगे चोर का। आनंद तो अब आएगा दो मित्रों का बुद्धि युद्ध देखने में।